नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल राइजिंग आर्टवर्क। होप यू गाइस आर डूइंग बेस्ट, अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा ऑसम। सो गाइस, आई एम फाइनली बैक बहुत ही लंबे अरसे के बाद विद माय अनदर आर्टवर्क वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो सबसे इंटरेस्टिंग और हॉट टॉपिक पे है, और वो हॉट टॉपिक क्या है आप लोगों को भी पता है, कश्मीर फाइल्स जो है पूरी दुनिया में कश्मीर फाइल्स। तो ये एक ज़रूरी एस्पेक्ट भी था क्योंकि काफ़ी टाइम से इस सच्चाई को दबाया गया हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से, जो कि अब मैं कुछ टिप्पणी विशेष करना नहीं चाहता इस चीज़ पे। तो अब कुछ लोगों को भी लग रहा होगा कि ये क्या सत्य घटनाओं पर आधारित है। देखो यार, ये सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी नहीं है, ना ही ये बेस्ड ऑन, जैसे मूवीज़ पे लिखा होता है ना स्टार्टिंग में या लास्ट में, इंस्पायर्ड बाय द ट्रू इवेंट्स, ना ही ये कुछ वैसा है। बल्कि ये पूरी की पूरी सच्चाई ही मूवी के फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम और पूरी स्टार कास्ट के द्वारा। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो जो भी आप लोगों ने इस मूवी में देखा, या अगर नहीं भी देखी है तो जब मूवी देखने जाओगे तो दैट इज़ फुल्ली होली एंड सोली 100% फैक्चुअल बेस्ड। यही फैक्ट्स हैं जो एक्चुअल में घटित हुए हैं कश्मीर वैली में उस पीरियड में, और यही आप लोगों के सामने बड़े पर्दे पर दिखाया गया है। अभी कुछ लोगों जिन्होंने भी, मतलब कश्मीरी पंडित जितने भी लोग थे कि जिनके ऊपर ये मूवी बनी हुई है, क्योंकि डायरेक्टर ने भी सीधा कहा है कि ये मूवी आप लोगों को ही समर्पित है, कश्मीरी पंडितों को ही समर्पित है, उन्हीं के लिए बने, क्योंकि रिसर्च बेस भी उन्होंने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के ऊपर ही ज़्यादा किया था, क्योंकि मैक्सिमम लेवल पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ही ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। नो डाउट कुछ और कम्युनिटीज़ को भी बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ, लेकिन एक्सोडस जो हुआ, जो जेनोसाइड के साथ साथ एक्सोडस जो हुआ, वो कश्मीरी पंडितों का ही वहाँ से हुआ। पलायन कश्मीरी पंडितों को ही, फैमिलीज़ को ही करना पड़ा वहाँ से। दैट्स वाई दूसरी चीज़ ये कि अभी जितने भी कश्मीरी पंडित फैमिली से मेरी बात हुई, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है, ये जो भी अभी मूवी जिन्होंने भी ये मूवी देखी या ट्रेलर देखा, उन्होंने कहा जितना भी अभी इसमें बताया गया है वो सिर्फ 10% है टोटल जो वहाँ पे हुआ, जो भी वहाँ पे घटित हुआ उसका सिर्फ 10% ही इसमें दिखाया गया है। क्योंकि डायरेक्टर के इंटरव्यूज भी जितने मैंने देखे, उसमें डायरेक्टर का भी यही कहना था कि सारे जो इंसिडेंट्स थे लोगों के, वो इस कंटेंट में दिखाने के लिए भरपूर नहीं थे। हालांकि कुछ सीन्स, अभी जितना मुझे भी पता चला है, कुछ सीन्स कटवाए गए हैं सेंसर बोर्ड के थ्रू, लेकिन बावजूद उसके स्टिल इतने सारे कैरेक्टर्स को डिनोट करना, कुछ जितने भी उनके पास अवेलेबल कैरेक्टर्स थे उनके थ्रू, तो दैट इज़ रियली रिमार्केबल जॉब। और पहला कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसने ये गट्स रखे हैं कि इस एक्चुअल सिनेरियो को इस मूवी में दिखाने के लिए, व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड ओवर देयर इन कश्मीर। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो आगे बढ़ाइए, अगर नहीं देखी है तो अपनी फैमिली के साथ और अपने यंगर जनरेशन, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनको मत लेके जाना, जो मतलब मोर देन 13-14 ईयर्स ऑफ एज हैं, जो समझते हैं, जो समझना जान रहे हैं आप चीज़ों को, तो उनको उनके साथ जाइए, उनको दिखाइए ये फिल्म। डिस्कवरी ऑफ एक्चुअल रियलिटी है वो इसमें बखूबी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ है, एंड दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू रिगार्डिंग द मूवी। तो अब मैं आप लोगों को आर्टवर्क दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने इस वीक इसी मूवी के रिगार्डिंग इस मूवी कास्ट को डेडिकेट किया था। तो ये मैंने एक इसका पोस्टर क्रिएट किया है, तो ये पेंसिल वर्क की था बेसिकली मेरा, और उसके बाद मैंने जो एक कलरिंग की है, ये मैंने कॉटन स्वैब से रेड कलर लेके तो कलरिंग की है। तो यहाँ पे जो रेड कलर है, दैट डिनोट्स द कलर ऑफ द जेनोसाइड, द ब्लड शेड दैट कश्मीर विटनेस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 90s। एंड पेंसिल से जो कैरेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, दीज आर द कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट देयर इन द मूवी। तो ये था, और इसका एक्चुअल जो पिक्चर है वो आपको इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके इसका एक्चुअल पिक्चर देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको ट्रांजिशन देके इस पिक्चर को डिज़ाइन किया है, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट अवे टू द वीडियो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, अलॉन्ग विद दैट शेयर करो इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों से शेयर करना चाहते हो. अलॉन्ग विद दैट कमेंट करो नीचे कि आगे आने वाले टाइम में आप कौन से करेक्टर्स को मेरे आर्टवर्क में देखना चाहते हो या किस चीज़ का आर्टवर्क देखना चाहते हो, तो वो चीज़ भी कमेंट करो. अपने व्यूज़ कमेंट करो इस वीडियो के रिगार्डिंग. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने सोशल मीडिया लिंक्स भी दे रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी फॉलो का बटन दबा के मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल. अगर तो सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत ही अच्छी बात है. नहीं किया है चैनल पर, नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ करो. काम को सपोर्ट मिलता है मेरे आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से. बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ताकि मेरे आने वाले टाइम में जितने भी आर्टवर्क की वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए. अपना प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय. दिस इज़ आर्टिस्ट साइनिंग ऑफ.